तेरा एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे, तेरा एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे, शांति ओम शांति। आज की ज्ञान मुरली की तारीख है 26/10/10 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे बच्चे नाजुकपना भी देह अभिमान है। मीठे मीठे बाप दादा, हम बच्चों को आज हमारी दैनिक दिनचर्या में जो भी छोटे बड़े स्वभावों के कारण जो हमारी स्थिति बनती है, उस स्थिति पर हमें क्या धारणा रखना वो हमें सिखला रहे हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे नाजुकपना भी देह अभिमान है। रुसना रोना ये सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख मान अपमान, मीठे बाबा कहते हैं, ये सब सहन करना है। प्रश्न है आज का, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? पुरुषार्थ करते करते कभी पुरुषार्थ में रफ्तार तेज होती है, कभी फिर थोड़ा ढीलापन भी आ जाता है। तो आज बाबा वो कारण हमें पूछ रहे हैं कि उसका कारण क्या है। अब बाबा देखो हमें उसका कारण क्या बताते जवाब में। उत्तर है, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं, अर्थात अवगुण देखने लगते हैं, तब सर्विस में ढीलापन आ जाता है। आपस में अनबन होना यह भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, ये बोलना सोचना या अपनी स्थिति के लिए समझना, बाबा कहते हैं ये सब नाजुकपना है। ये बोल मुख से निकालना, देखो बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं कि ये बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, ना फरमान बरदार बनना। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होनी चाहिए, कोई भी बात में आनाकानी मत करो। माना जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ, कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, तो फिर हम उनके अनेक अनेक बहाने सुनाएंगे, कारण सुनाएंगे। तो बाबा कहते ऐसे आनाकानी मत करो। धारणा का सार है आज का, नंबर एक, बहुत मीठे अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है, अपनी आँखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है, दृष्टि हमारी बहुत हमें पवित्र बनानी है।
नंबर दो, बाबा जो हुक्म करे तो क्या करना है, उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। आज का वरदान है ईश्वरीय नशे के द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जैसे वो नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे ये ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होते हैं, अधिक पीने से खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन ये नशा हमारा नाश नहीं करता, परंतु हमें अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं, वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं, बहुत कुछ पा लेते हैं। उस नशे में बहुत कुछ गंवाते हैं, तो एक बाप दूसरा ना कोई। बस यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है, इसी स्मृति से समर्थि भी आ जाती है। तो स्लोगन है आज का, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। चली थी आंधियां काली, फंसी मझदार थी नैया, तुम्हें जी भर पुकारा था, बचा ले आके केवैया, बचा ले आके केवैया। उसी दम के